हम तुमको सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 1000 गुंडों को लेकर जाओ और सिंगवा को इतना तोड़ो कि उसका जीवन खत्म हो जाए, लेकिन आंसू नहीं। अरे भैया जी, हम करने तो ही गए थे, पर का करे, एंड टाइम पे पुलिस आ गया। अब देखो, हम तो अपनी तरफ से स्मार्ट गेम खेल रहे थे। स्मार्ट नहीं, स्मार्ट। चुप सलाका। अबे सुन, जब बाजी पलटिए गया है तो एक काम कर, उस सिंगवा पेट्रोल डाला है, दिल्ली दिखाया है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ और तुरंत उसको जेल भेजो। ससुरे पर पूरा जेल का कैदी छोड़ देंगे। अरे नहीं भैया जी, आप नहीं जानते, बहुत ही स्मार्ट हूँ। पूरा पुलिस और मीडिया को अपनी तरफ खींच लिए हैं। अभी आप टीवी देखिए ना, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे। भूदेव सिंह के समर्थकों ने कोर्ट की अवेला की और सिंह साहब के घर पे उनके खिलाफ मोर्चा निकाला। पेट्रोल से जलाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल की आग पर जनता का गुस्सा साथ में भड़क उठा है। पुलिस ने इस हादसे को रोकने की कोशिश की, गुंडे एक नहीं माने। आखिरकार जनता और पुलिस ने साथ में मिलकर गुंडों की जम के पिटाई की। ए पतुरिया, क्या बोल रही है? फोन लगा इसको। वो तो हम पहले ही लगा दिए हैं। लड़की रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया करती है। अबे चुप। ए पतुरिया, ये का छोटा रिपोर्टिंग कर रही है? हाँ भूदेव सिंह जी, जब आप पुलिस और प्रेस मैनेज कर सकते हो और आपके झूठ को सच साबित करने के लिए गलत रिपोर्टिंग होती रहती है, तो क्या सच्चे आदमी के लिए हम झूठी रिपोर्टिंग एक बार भी नहीं कर सकते? आप ही ने तो कहा था ना, वक्त बदल चुका है। 100 सुनार की एक लोहार की। अपने क्रोध को काबू में रखिए दाता साहब, वक्त आने पर इस्तेमाल कीजिए। सो लोहार का तो एक भूदेव सिंह का। अश्विनी भी वीर जी के साथ वहीं गए हैं। हाँ हाँ, सिमर, बच्चे को लेकर भाग जाओ। अरे,
नहीं हिलेगा। सिमर तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चल बरम, उस कमरे में, सबके सब उस कमरे में। अरे चलो अरे बोल रही है तुम, मत करो ना। चलो अंदर अंदर चलो। हाँ मैडम बंद कर लीजिए, लगा लीजिए। शिखा जी, शिखा जी को फोन लगाओ। हाँ, ओह माय गॉड, शायद हमारा फोन वही रह गया। सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या हुआ? शिट, ये हाँ? लगता है डीजल खत्म हो गया। क्या अब क्या होगा? अरे हम वीर जी को कैसे बताएंगे हम यहाँ पर हैं? कहाँ जाएं हम? हमारा मोबाइल भी ना। गुनाहों का सजा बच्चों के भुगतना ही पड़ता है, यह नियम है। बोले थे ना हम ही सेंटर है, हम ही स्टेट है। और बकवास मत कर, मेरी बहन कहाँ है? हम भूदेव हैं, भूतों का देव, सुल्तानवा खान। मेरी मिन्नी के साथ जो हुआ सो हुआ, अगर मेरी बहन या उसके बेटे पर थोड़ी सी भी आ जाए ना, तो मैं तेरी बेटी को फेंक दूंगा। नहीं, 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 हम रिहा करते हैं, हम रिहा करते हैं, बस हमरा बिटिया को छोड़ दो, ऐसे तनवा छोड़।
भाऊजी के पास। अरे हम ही तो उसे भेजे थे ऊपर चेहर देके। सम्मान पाने के लिए जी रहा है तू, सम्मान ताकि कल मर के अपने जोरों से नजरें मिलाए, अपना सम्मान से उठा हुआ सर दिखाने के लिए यही चाहता होगा ना तू? ये नहीं होने देंगे। तुमने हमरा बिट्टी को हाथ लगाया, सम्मान से उठा हुआ ये सर काट देंगे हम। फिर तड़प 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 कमरेगा साला। सरदार, रखवाला समझते हैं ना अपने आप को बेसहारों का, आज बताएंगे तुमरा औकात का है। पग पग ससुरे सरदार, इज्जत होता है ना तुमरी पग, आज
पांव के नीचे होगा ये पाप। जिसने ऊंच नीच का फर्क मिटाया, गुरु नानक देव जी, जिसने धर्म के लिए अपना परिवार वार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी, सरदार, 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 सरदार। जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, शहीद भगत सिंह, सरदार, सरदार। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तड़तड़ा रही है ना, वो क्या गलत नहीं था जब आपने मेरे बेटे का अपहरण किया था? वो क्या गलत नहीं था जब आपने कलेक्टर साहब की पत्नी को ऑपरेशन करने से मुझे रोक दिया था? मुझे अफसोस है उस बात का। आज तक आपको पता है मेरा बेटा उस ट्रॉमा से आज तक बाहर नहीं निकल पाया है, और आप कहते हैं गलत है, मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा। हमरे किए की सजा हमरे बिटिया को मत दो, हमरे बिटिया के मत दो। यही नियम है, यही कहा था तूने कि बड़ों के गुनाहों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक साधु था जो रोज गंगा की सीढ़ियां पूजा करने के लिए उतरता था। अक्सर उसे एक बिच्छू काटता और वो उसे उठाकर किनारे पर रख देता। किसी ने उसे पूछा कि बिच्छू तुम्हें रोज काटता है, फिर भी तुम उसे उठाकर किनारे पर क्यों रख देते हो? साधु ने कहा, बिच्छू बिच्छू होकर भी अपना धर्म नहीं भूलता, तो मैं साधु होकर अपना धर्म कैसे भूल सकता हूं?
डॉक्टर साहब, मैं साधु तो नहीं हूं, लेकिन आपसे दरखास्त करता हूं कि बड़ों के गुनाहों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। प्यार की कहानी जहां भी कही जाती है, दर्द की लकीरें सीना चीर जाती हैं। इतना प्यार, सिंह साहब का बस चलता तो वो इसी पल अपनी पत्नी के पास चले जाते, मगर उनको तो जीना था उस मुस्कान के लिए जो उनकी पत्नी के चेहरे पर आती जब भी वो कोई अच्छा कार्य करते। सचमुच ये उनकी अच्छाई का ही तो परिणाम था कि भूदेव सिंह जैसे आदमी ने भी अपनी बहुत सी दौलत बदलाव की इस मुहिम के लिए दान दे दी। और मैं भी हमेशा के लिए सिंह साहब की इस मुहिम में शामिल हो गई, क्योंकि इस दुनिया में गम बहुत है और बांटने वाले हाथ बहुत कम।